हेलो देयर, तो मुझे लास्ट टाइम काफ़ी लोगों की रिक्वेस्ट आई थी कि वो रेस्टोरेंट वाला क्रीमी एंड रिच पनीर घर पे कैसे बनाएं। सो हेयर इट इज़। सो टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू हाउ टू मेक पनीर बटर मसाला फुल रेस्टोरेंट स्टाइल। ये इनसेनली क्रीमी बनता है एंड जब भी आप घर पे कोई पार्टी होस्ट कर रहे हो तो इसे ज़रूर बनाएं। एंड विदाउट एनी डाउट आई कैन से दैट दिस विल कम आउट टू बी द स्टार डिश। हम इसमें मक्खनी ग्रेवी भी बनाएंगे एंड ओ माय गॉड, द ग्रेवी टर्न्ड आउट टू बी सो नाइस कि जब मैंने इसे बनाया तो विद इन 15 मिनट्स पूरा बोल खाली हो गया था। इट्स दैट रिच, क्रीमी एंड डिलिशियस। बस आपको ये रेसिपी फॉलो करना है एंड कुछ डिटेल्स हैं जिनका आपको ध्यान रखना पड़ेगा एंड रेस्टोरेंट वाला फ्लेवर डेफिनेटली आएगा। सो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। तो यहाँ आप एक पैन में स्लाइस्ड अनियन ले लीजिए, इसी के साथ आप स्लाइस्ड टमेटोज भी डाल दीजिए, दोनों सेम रेशो में होने चाहिए। इसी के साथ हम रेड चिलीज डाल देंगे जो कि मैंने 15 मिनट के लिए हॉट वाटर में सोक कर लिया था। देन वील पुट जिंजर गार्लिक पेस्ट, सोक्ड कैश्यूज एंड सोकिंग ऑफ कैश्यूज आर वेरी इंपॉर्टेंट। आप इसको ज़रूर सोक करके बनाएं, नहीं तो इसके ग्रैनुल्स मुँह में आते हैं। इसी के साथ हम डालेंगे रेड चिली पाउडर, सॉल्ट एज पर टेस्ट, कोरिएंडर पाउडर, क्यूमिन पाउडर एंड इसके बाद हम इसमें डालेंगे वाटर। तो पानी हम इसलिए डाल रहे हैं ताकि जो कैश्यूज हैं, जो टमेटोज हैं, अनियंस हैं, वो अच्छे से मैश हो जाएं। अब आपको गैस चालू कर देना है और इसको अच्छे से बॉईल करना है। इसके बाद इसमें हम 1 टीस्पून बटर डाल देंगे। बटर डालते ही जैसे इसमें एक बॉयल आ जाए आप उसको कवर कर दीजिए और 6 to 7 मिनट्स के लिए इसे पकने दीजिए। तो 6 से 7 मिनट हो चुके हैं, अच्छा सा बॉयल आ चुका है। अब इसमें बीच बीच में स्टर कर सकते हो। इस टाइम पे हम इसमें एक पिंच शुगर का डाल देंगे। इससे होगा क्या कि जो टमेटोज हैं उसकी सारनेस थोड़ी सी कम हो जाएगी। सो अराउंड 10 मिनट्स बाद आप देख सकते हो कि ये अच्छे से कुक हो गया है, ऑयल भी ऊज आउट हो गया है। दिस इज़ द इंडिकेशन कि ग्रेवी ग्राइंड करने के लिए रेडी है। तो यहाँ पे मैंने एक मिक्सर ग्राइंडर में मसाला के साथ 2 क्यूब्स आइस के डाल दिए हैं। इससे होगा क्या कि कलर ऑफ द ग्रेवी विल बी रिटेन्ड। तो आपको इसको बहुत स्मूथ फाइन पेस्ट बनाना है एंड इसको आपको छानने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसमें कोई भी आपको चंक नहीं मिलेगा। सो द नेक्स्ट स्टेप इज़ टू असेंबल। तो यहाँ पे मीडियम टू हाई फ्लेम पे आप एक पैन रख दीजिए जिसमें आप बटर और ऑयल इक्वल क्वांटिटीज़ में ले लीजिए। जैसे ही ये हीट हो जाएंगे इसमें आप डालिए कश्मीरी रेड चिली पाउडर। इसमें ट्राई कीजिए कि कश्मीरी ही हो क्योंकि वो बहुत अच्छा रेड कलर आपको देता है। तो इसे ज़्यादा हमने जलाना नहीं है, जैसे ही ये गर्म हो इसमें आप हमारा बनाया हुआ प्री कुक्ड ग्रेवी डाल दीजिए। आई मीन जस्ट लुक एट द कलर गाइज, इट्स सो ब्यूटिफुल। ओके, सो अब सब कुछ मिक्स हो चुका है। हम इसको कवर कर देंगे 4 to 5 मिनट्स के लिए ऑन लो फ्लेम। और जब ये पक जाएगा इसकी इंडिकेशन ये है कि अच्छे से जो ऑयल हमने डाला था वो सब ऊज आउट हो चुका है। सो इट्स नाउ रेडी एंड अब हम इसमें पनीर ऐड कर देंगे। मैंने यहाँ पे मलाई पनीर लिया है करीबन 1 कप। इसमें हम डालेंगे कसूरी मेथी, उसी के साथ हम डालेंगे फ्रेश क्रीम, और क्रीम आप कोई भी यूज़ कर सकते हो, घर की मलाई भी चलेगी, बट आई थिंक स्टोर्ड बॉट थोड़ी सी ज़्यादा बेटर रहती है। तो अब हम इसको स्टर कर देंगे एंड वी आर डन। आई एम इन लव विद दिस रेसिपी। तो इसे मैंने गार्लिक नान एंड स्टीम्ड हॉट राइस के साथ सर्व किया है। इसकी गार्निश के लिए आई एम पुटिंग लिटिल चिली ऑयल, विच इज़ बेसिकली रेड चिली पाउडर फ्राइड विथ लिटिल ऑयल।
देन इस पे आप क्रीम डाल सकते हो एंड दिस हेवनली डिश इज रेडी। सो इसे बनाना बिल्कुल मत भूलिएगा एंड आई विल बी वेटिंग कि आप इसे बनाओ और कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ कि आपको इसका टेस्ट कैसा लगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल ताकि मैं आपके लिए ऐसी और बहुत सारी अमेजिंग घर पे बनने वाली डिशेस ला सकूँ। सो गुड बाय।